इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो लिबरल हैं, या तो आप राइटिस्ट हैं या फिर आप लेफ्टिस्ट हैं, लेकिन ये इंसान जो हैं आपके सामने मिखाइल गोर्बाचेव, ये एक लिबरल लीडर थे। इन्होंने सारे जो अच्छी चीजें हैं, चाहे वो राइटिस्ट, चाहे वो सेंट्रिस्ट, चाहे वो लेफ्टिस्ट, सारी की सारी अच्छी चीजें इन्होंने एक ऐसे देश में अप्लाई कर दी जहां पर सिर्फ लेफ्टिस्ट सिस्टम कम्युनिज्म चलता था। और आपको पता है क्या हुआ, इन्होंने इतनी ज्यादा आजादी दे दी कि बाद में लोगों ने इन्हीं को उखाड़ के फेंक दिया। मिखाइल गोर्बाचेव प्रोबेबली एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ज्यादा न्यूट्रल, डाउन टू अर्थ, बहुत ही ज्यादा काइंड, एक विजनरी, रेवोल्यूशनरी और प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट पर्सन एंड बेस्ट लीडर्स दैट वी एवर हैड। ये मिखाइल गोर्बाचेव का परिचय है। नोबेल पीस प्राइज इनको मिला था, मैन ऑफ द डेकेड इनको दिया गया था टाइम मैगजीन के द्वारा 1990 में। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन, सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन इन्होंने किया था। लास्ट प्रेसिडेंट थे यूएसएसआर के, पूरी फ्रीडम ले आए थे भैया रशिया में, यूएसएसआर में, लेकिन उसके बावजूद चल नहीं पाया ये चीज। तो हम आज जानेंगे मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में, इनकी पूरी बायोग्राफी कवर करेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, ये टॉपिक ऐसा है, मिखाइल गोर्बाचेव की बायोग्राफी ऐसी है, वैसे तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ता रहता हूं, कि ये बहुत बड़ी है। ये कैसे व्यक्ति हैं, 1931 में इनका जन्म हुआ था और अभी तक ये जिंदा है, तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने पूरी जनरेशन देखी है। ये कैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सब कुछ देखा, ये वर्ल्ड वॉर टू के टाइम में भी थे, ये स्टालिन के टाइम में भी थे, ये निकिता क्रुश्चेव के भी टाइम में थे, कि जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तब में थे, जब अफगान वॉर हुआ, जब रशिया ने भर भर के, यूएसएसआर ने भर भर के, जब मैं रशिया बोला आप यूएसएसआर समझ लीजिएगा, 1991 तक भर भर के अफगानिस्तान में अपने सेनाएं भेजी, अपने फौजी भेजे ताकि मुजाहिदीन को खत्म किया जाए, तब भी थे ये और आज भी है ये। तो इन्होंने सारी जनरेशन को देखा है, तो इनकी बायोग्राफी को कवर करना, अगर मैं प्रोबेबली शायद टोटल 10 पार्ट लगते, ठीक है, अगर मैं सब कुछ समझाता, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि दो पार्ट में एक बहुत ही बेहतरीन आपके लिए समरी दूं। तो हम बात करेंगे मिखाइल गोर्बाचेव की, सारे टॉपिक्स की बात करेंगे, और मेरे साथ बने रहिए। माफी मांगना चाहूंगा सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले, आई एम रियली सॉरी, 1905 में ब्लडी संडे का मेरा पिछला लेक्चर था, मैंने उसमें निकिता क्रुश्चेव बोल दिया था, जिन्होंने जो लास्ट प्रेसिडेंट थे, लास्ट लीडर थे, और जिन्होंने यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेट किया। देखिए मैं बहुत ज्यादा पढ़ता रहता हूं, गलतियां हो गई, नाम निकल गया गलती से। मैंने बाद में जब लेक्चर सुना और कमेंट्स देखे तब मुझे रियलाइज हुआ, आई एम रियली सॉरी, ऐसा नहीं होगा, ये मैं आपको वादा करता हूं कभी भी नहीं होगा, लेकिन इस बार माफ कर दीजिएगा, ठीक है। मिखाइल गोर्बाचेव उनका नाम था, निकिता क्रुश्चेव नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस लेक्चर की PDF आपको कुछ भी मुझसे पूछना हो, मेरे फेसबुक पेज @_reconnect या मेरी फेसबुक प्रोफाइल सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से है। हम खजाना लाए हैं 22,500 रुपए में, UPSC का कॉम्प्रीहेंसिव प्रीप्लस मेंस पेन ड्राइव कोर्स, StudyIQ की वेबसाइट को विजिट करें, साथ ही साथ डिफेंस एग्जाम्स के लिए हम पेन ड्राइव कोर्सेज लेके आए हैं। अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही पेन ड्राइव कोर्स StudyIQ के खरीदें, या फिर इन नंबर्स पे कॉल करें, वेबसाइट विजिट करें, 23 सितंबर तक सेल का लाभ उठाएं, 50% डिस्काउंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे अर्ली लाइफ, ये तो देखनी ही देखनी है, पीछे क्यों चले जा रहे हो भाई। उसके बाद देखेंगे किस तरह से पावर में आए, ये भी देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है, याद रखिएगा। इसमें मैं टॉपिक वाइज जो पैरेलली पूरी दुनिया में हो रहा है वो भी समझाता चलूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, खुद में ही एक इतना बड़ा टॉपिक है कि मैं क्या बताऊं, अगले पार्ट में इसको कवर करूंगा। और फाइनली पूरी दुनिया से कैसे एंगेजमेंट है भैया, नोबेल पीस प्राइज इनको मिला था। आपको ये जान के हैरानी होगी कि वेस्ट वर्ल्ड इनसे बहुत ज्यादा खुश था, स्पेशली अमेरिका, यूएसए इनसे बहुत ज्यादा खुश रहता था, इनको बहुत सारे मेडल्स दिए हैं। क्यों? क्योंकि ये अल्टीमेटली डेमोक्रेसी इन्होंने अप्लाई कर दी थी, वो कुछ भी होगी कम्युनिज्म के नाम पे कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने डेमोक्रेसी अप्लाई कर दी थी, ठीक है। न्यूट्रल नेता थे ये, हर चीज साथ में लेके चलते थे, ठीक है। तो ये चीज है, चलिए आप ये मैप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूएसएसआर फुल फॉर्म क्या है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। अगर सोवियत की हम बात करें तो सोवियत का मतलब ही होता है पेजेंट क्लास, वर्किंग क्लास, जो सबसे नीचा तबका होता है, सबसे नीचे तबका होता है, उसको ऊपर लेके आना, उसके रिप्रेजेंटेटिव यूनियन बनाएंगे और काम करेंगे, एक लॉ मेकिंग बॉडी सोवियत है, ठीक है। अब क्या है कि एक सेंट्रल सोवियत होगी, कम्युनिस्ट पार्टी में सेंटर में पावर होगी, और उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट कम्यून्स होते हैं,
डिफरेंट डिफरेंट सोवियत्स होती है, यूनियंस होते हैं, स्टेट लेवल, सिटी लेवल, ठीक है। तो ये चीज है, आई होप ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि मैं इसकी चर्चा जो है आगे काफी बार करूंगा। टोटल 15 कंट्री हैं, ठीक है। रशिया सबसे बड़ी, उसके अगल बगल आप देश देख सकते हैं, एस्टोनिया, लैटविया, लुधियानिया, बेलारस, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ठीक है, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, ठीक है। दो मिनट में आपको रशिया की हिस्ट्री समझाता हूं, बहुत जरूरी है। देखिए, रशिया की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे, या यूएसएसआर की बात करते हैं, जब भी मैं रशिया बोलूं तो आप समझ जाइएगा यूएसएसआर, अगर हम बात करते हैं यूएसएसआर की या रशिया की, तो यहां पे आया ज़ारिज़्म, बहुत इंपॉर्टेंट। 10वीं शताब्दी, 10th सेंचुरी आते आते ज़ारिज़्म बल्गेरिया में एस्टैब्लिश होने लगा था। इसने ईस्टर्न, इसने ईस्टर्न कंट्रीज को ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया था, रशिया में पूरा एम्पायर डेवलप कर लिया था 1721 आते आते। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए पहले एम्परर कौन थे और उसके बाद ज़ारिज़्म एस्टैब्लिश हो गया, इनकी पूरी अथॉरिटी। ज़ारिज़्म एम्परर भगवान थे लोगों के लिए, कोई भी प्रॉब्लम हो इनके पास लेके जाओ, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। कब तक? जब तक 1905 का इंसिडेंट ब्लडी संडे नहीं हुआ था। इसकी मैंने सेपरेट वीडियो में बात की है, इससे पहला ही लेक्चर था, आप देखिएगा। ब्लडी संडे जब तक नहीं हुआ था, फादर गेपोन के नेतृत्व में इन्होंने, इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी लेबर्स की, ज़ार के खिलाफ विद्रोह कर दिया, ज़ार ने कुचल दिया, लोगों को मार दिया, विश्वास उड़ गया। लेनिन आए अपनी बोल्शेविक पार्टी को लेके, 1917 में रशियन रेवोल्यूशन आ गया, ज़ार को मार दिया गया। यूएसएसआर पहला इस दुनिया का देश बन गया जो कम्युनिस्ट था, किसी को भी विश्वास नहीं था। देखिए, लेनिन की भी पार्टी दो में स्प्लिट हो गई थी, मेंशेविक, बोल्शेविक। 1917 में रेवोल्यूशन तो आ गया था, लेकिन तुरंत ही इनको आजादी नहीं मिली थी। अरे, आने वाला है गृह युद्ध, 4 साल तक रशिया में आपस में ही लोग भिड़े रहे, इसमें लेनिन की पार्टी और जो इनको अपोज कर रहे थे मेंशेविक, बोल्शेविक वर्सेस मेंशेविक चालू रहा। और उसके बाद फाइनली 1922 में यूएसएसआर की स्थापना हुई, लेनिन की पार्टी की जीत हुई। अब क्या है कि लेनिन की डेथ 1924 में हो गई थी। यहां से फिर आए भैया सबसे खूंखार नेता, जोसेफ स्टालिन, एक हत्यारा। लेनिन और जोसेफ स्टालिन दोनों की बायोग्राफी को मैंने कवर किया है, जिसने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया, इकोनॉमी को भले ही डेवलप किया लेकिन इंसानियत को ताक पर रख के सबको मरवा दिया। इनको तो मानना ही था, नो मैन नो प्रॉब्लम, सारे इंसानों को मारो। कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भर भर के लोगों को ले गए, कतले आम करवा दिए, अपने पार्टी मेंबर, फैमिली मेंबर, सबको मरवाया इन्होंने जोसेफ स्टालिन को। दादाजी भी मिखाइल गोर्बाचेव की निपट गए, इनको भी मरवा दिया, इतनी बुरी हालत हुई थी। इस व्यक्ति की सबसे बड़ी बात क्या थी, जोसेफ स्टालिन का, पागल था एकदम, नार्सिसिस्ट था, एक्सट्रीम पर्सनालिटी डिसऑर्डर था इसको, लेकिन इतना ज्यादा चालाक था कि लोग इसको भगवान मानते थे। ये तो बाद में मिखाइल गोर्बाचेव ने ही, जब इसकी फाइल्स डिक्लासिफाई की, तब लोगों को पता चला कि कितना बड़ा हत्यारा था ये। जोसेफ स्टालिन को लोग भगवान मानते थे, हीरो मानते थे, और यही पीछे से सारे काम कर रहा था, इतना ज्यादा चालाक था ये, हिटलर से भी ज्यादा खतरनाक था, ठीक है। जोसेफ स्टालिन की डेथ मार्च 1953 में होती है, फाइनली जो ये एरा है खून का, ये खत्म होता है, और उसके बाद निकिता क्रुश्चेव आते हैं, और बीच में ही फिर मिखाइल गोर्बाचेव जो है उदय उनका होने लगता है, ठीक है। तो अब हम मिखाइल गोर्बाचेव की आते हैं, भैया रशिया की हिस्ट्री मैंने आपको 2-3 मिनट में समझा दी है। 2 मार्च 1931 में इनका जन्म होता है, स्टेवरोपोल रशिया में, 1000 मील दूर है ये मॉस्को में। अब क्या है, इनके जो दोनों ही ग्रैंडफादर्स थे, नाना जी दादाजी, ये दोनों ही भैया अरेस्ट कर लिए गए थे। इनके दादाजी को तो मार दिया गया था, टॉर्चर किया गया था, ब्रूटली ही वॉज ब्रूटली टॉर्चर, और तब भी उसने बोला था जोसेफ स्टालिन जिंदाबाद, ठीक है। इनके पिताजी, देखिए मिखाइल गोर्बाचेव एक बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान थे, बहुत ही काइंड इंसान थे। ये सब इनको कहां से मिला था, ये इनके पिताजी नहीं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं इनके, ठीक है। ये इनको कहां से मिला था, अपने पिताजी से, इनका नाम था सर्गी एंड्रीविचेक। तो पता नहीं सरनेम वहां से, वहां के इतने खतरनाक होते हैं, मुझसे तो प्रोनाउंस ही नहीं होते, तो सरनेम आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं आपको फर्स्ट नेम बता दूंगा। सर्गी जो इनके पिताजी का नाम था, उनसे ये जो पूरा काइंडनेस है, क्योंकि इनके पिताजी भी बहुत ज्यादा काइंड थे। मिखाइल गोर्बाचेव बड़ी मेहनत करते थे, इनके पिताजी भी बड़ी मेहनत करती थी, पूरा साथ देती थी इनकी माताजी मरिया।
स्पॉइल्ड ब्रैट थे ये, आपको बता दूं, बड़ा इनको पैम्पर किया जाता था क्योंकि सबसे पहले बेटे थे, 15 साल तक इनको बड़ा पैम्पर किया गया, इधर आओ बेटा तुमको क्या चाहिए, जो चाहिए हम देंगे तुमको, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसे बहुत गलत होता है ये, इससे बच्चे बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं, लेकिन इनके साथ ये किया गया। मिखाइल गोर्बाचेव बहुत जल्दी समझदार हो गए थे, ठीक है। वर्ल्ड वॉर टू 1939 में शुरू हो गया, ठीक है, और 1945 में एंड हो गया। सिपाहियों की जरूरत थी, जर्मनी ने इन्वेड कर दिया रशिया को, तो भैया सिपाही कहां से लाएं, जितने भी फार्मर काम कर रहे हैं उठाओ उनको पकड़ो, वरना तो रशिया बचेगा नहीं। इनके पिताजी भी गए थे जर्मनी के खिलाफ लड़ने, लेकिन जब ये जर्मनी के खिलाफ लड़ने गए, वापस आए, सब कुछ बर्बाद हो चुका था, आसपास इन्होंने खाली कियोस देखा, हर तरफ तबाही। बचने के लिए खेती करनी पड़ेगी, भूखा नहीं रहना है, क्योंकि देखिए वॉर के बाद आपकी पूरी की पूरी इकोनॉमी तबाह हो जाती है। इनके पिताजी को पता था कि अगर हमने कुछ नहीं किया हम गए काम से, इन्होंने खेती करना शुरू कर दी, दिन रात खेती की, अपने बच्चे के साथ मिलके, अपने बेटे मिखाइल के साथ मिलके इन्होंने दिन रात काम किया। और आपको पता है इनके पिताजी और मिखाइल दोनों ही एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, गजब के टीम मेंबर, और दोनों ऑब्वियस सी बात है एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन दोनों को रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा करते थे, ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। दोनों रात दिन काम करते थे, मिखाइल गोर्बाचेव की सबसे बढ़िया बात यह थी कि वो 2400 घंटे काम करते थे। इनके जो पार्टी मेंबर्स हैं, इनके जो कॉलेज वाले हैं, सब बोलते थे भैया अब तो सो जाओ, नहीं मुझे काम करना है, कुछ ऐसा एटीट्यूड था मिखाइल गोर्बाचेव का, ठीक है, तभी वो इतना आगे गए। मिखाइल गोर्बाचेव बहुत ज्यादा काम करते थे, और इसी के कारण उन्होंने इतना ज्यादा काम किया कि अपने पिताजी के साथ, कि उन्होंने रिकॉर्ड हार्वेस्ट, सारे हार्वेस्ट के रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। इसके लिए इनको रेड लेबर बैनर मिला 1949 में, जिसकी वजह से इनको एडमिशन मिला बाद में मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में। 1950 में भैया गांव में पढ़ाई नहीं होगी, शहर जाना पड़ेगा, तो मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में 1950 में ये गए, और वहां से फिर 1955 में इनके पास लॉ की डिग्री थी, ग्रेजुएट हो गए थे ये, और वहीं से ही फिर इनका जो करियर है पॉलिटिक्स में शुरू हो गया। इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन किया, कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन करते ही बहुत ही जल्द, क्योंकि बहुत हार्ड वर्किंग थे, बहुत ही जल्द तुरंत ही बहुत ज्यादा एक्टिव मेंबर हो गए। 1967 में इन्होंने करेस्पॉन्डेंस से डिग्री ली, और फिर एग्रीकल्चर से डिग्री ली थी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट भी हो गए, तो हर जगह भी हाथ आजमा रहे थे। रशिया की कंडीशन, यूएसएसआर की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, करें क्या, चलो कोई बात नहीं, मैं मेंबर हूं यहां का और बहुत ही अच्छे से चीजों को संभालूंगा। वापस अपने गांव आ गए थे जब इन्होंने ग्रेजुएशन किया, तो ये वापस अपने गांव आ गए थे 1955 में ही, और वहां से ही इन्होंने लॉ प्रैक्टिस किया। लेकिन ये किसके साथ आए थे, यूनिवर्सिटी में इनकी फ्यूचर वाइफ इनको मिल गई थी, जिनका नाम था रईसा, सरनेम आप खुद पढ़िएगा, ठीक है, तितरैन को लिखा है वैसे। रईसा इनकी फ्यूचर वाइफ थी, डांस देखने गए थे अपनी वाइफ का, उनको पता नहीं था, बस एक लड़की थी वो, जब गोर्बाचेव 1950 के दशक में ही ये रईसा से मिले थे, डांस देखने गए थे रईसा का, जो इनका पार्टनर था रईसा का वो बहुत बड़ा था, मजाक उड़ाने के मोटिव से गए थे गोर्बाचेव, लेकिन जब रईसा को देखा वहीं पे इनका दिल जो है वो पिघल गया। दोनों में बातचीत हुई, इंट्रोडक्शन हुआ, इतने ज्यादा पसंद आ रईसा को गोर्बाचेव, और गोर्बाचेव को रईसा, कि अल्टीमेटली दोनों ने शादी कर ली। अब एक चीज और बताना चाहूंगा, जब ये यूनिवर्सिटी गए थे, देखिए एक चीज बताना चाहता हूं, गांव से जब भी कोई लड़का जाता है उसको एडजस्ट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो पता नहीं क्या मिथ है कि अंग्रेजी आनी चाहिए, और अक्सर ये मैंने देखा है कि जिनको थोड़ी सी भी अंग्रेजी आती है वो ऐसा ज्यादा शो ऑफ करते हैं, फ्लॉन्ट करते हैं। देखिए अंग्रेजी आनी बहुत बढ़िया है, सारी लैंग्वेज सीखिए आप, वैसे भी अंग्रेजी सबसे ज्यादा नहीं बोली जाती, सबसे ज्यादा मैंडरिन चाइनीज बोला जाता है, ठीक है, तो अच्छी बात है आप फ्लॉन्ट करिए, लेकिन कम से कम दूसरों को नीचा मत दिखाइए, ठीक है। अक्सर मैंने देखा है कि भले ही उसको कुछ भी नहीं आता, बस इंग्लिश अच्छी है, तो बस काम खत्म वहीं पे। और एक इंसान जो बड़ा ही जीनियस है, अगर उसकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो बोलता है कि मुझे अंग्रेजी, अरे ऐसा नहीं है, आपके ज्ञान से आपकी पहचान होती है दोस्तों, याद रखिएगा, और कुछ भी बाकी सब साइड में शो ऑफ है, ठीक है। तो क्या है कि ये भी गांव से आए थे, मिखाइल गोर्बाचेव सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, वो गांव से आए थे, उनको तौर तरीके सीखने थे, बहुत ही ज्यादा अच्छे, बहुत ही इनका दिल बहुत ही कोमल था, लेकिन तौर तरीके सीखने थे, इनकी वाइफ ने इनको तौर तरीके सिखाए। 25 सितंबर 1953 में इनकी शादी हो गई, डिसेंसी सिखाई इनको बहुत अच्छे से, कैसे बिहेव करना है सबके साथ, सब कुछ सिखाया। और उसके बाद इनकी ओनली चाइल्ड डॉटर इरीना का जन्म होता है 1957 में। एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि यहां पे तो ऐसा है कि अगर एक विधायक के ड्राइवर का भी लड़का है तो वो ऐसे अकड़ दिखाता है जैसे पता नहीं क्या हो, भारत की बात कर रहा हूं, और भी जो एशियन कंट्रीज है वहां पे भी ऐसा ही होता है। मिखाइल गोर्बाचेव एक बहुत बड़े लीडर थे और काफी अच्छी उनकी पोजीशन हो रही थी धीमे धीमे।
अब क्या है, उन्होंने अपनी बेटी से साफ बोल दिया था कि कुछ भी हो जाए तुम मेरी पोजीशन का फायदा नहीं उठाओगी, एडवांटेज नहीं लोगी। इनकी बेटी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पढ़ी, जैसे नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं वैसे, कोई बहुत सेलिब्रिटी स्टेटस नहीं था। ऐसा होता है ना, सोचिए अगर आपके अगल बगल एक बहुत बड़े लीडर, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर का अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसके लिए तो अलग से ही सब ट्रीटमेंट होता है, लेकिन इनकी बेटी के लिए नहीं था। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मैंने एक वीडियो देखा था दोस्तों, नाम नहीं बताऊंगा, क्या था कि मैंने देखा कि एक इंसान थे, एक सज्जन थे, उन्होंने सिग्नल तोड़ दिया, पुलिस पकड़ के ले गई। वो नेता के लड़के थे, नेता आया कार में, भर के आदमियों को लेके आया, दनदनाते हुए पुलिस थाने में घुसा, धमकाया पुलिस वालों को, एक पार्टी का नेता था वो, धमकाया पुलिस वालों को, जेल से उठा के चौड़े होके बाहुबली की तरह अपने बेटे को वहां से लेके चला गया। बेटा भी बिल्कुल हीरो स्टाइल में गया, कोई पुलिस वाला कुछ नहीं कर पाया। ऐसी कंडीशन आ गई है। क्यों डर रहे हैं मुझे नहीं समझ में आता। सुप्रीम कोर्ट कितनी बार कह चुका है, किसी को कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। ये चीज हमको सुधारनी पड़ेगी। जिस दिन पॉलिटिकल पार्टीज ने ये इशू कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, भैया चालान पैसे कटेंगे, तब देखिएगा आप सब सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, है ना। तो ऐसा गोर्बाचेव ने हमेशा अपनी बेटी को बोला कि इस तरह से तो बिल्कुल भी मैं नहीं करने वाला, ठीक है। और गोर्बाचेव ने कभी किया नहीं, उनकी दो ग्रैंड डॉटर्स भी हैं गोर्बाचेव की। अब हम देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी में इनका उदय, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन की, तुरंत ही इनका उदय होना शुरू हो गया। सबसे पहले तो अपनी रीजनल पार्टी में ही, क्योंकि ये गांव आ गए थे, वहीं पे लॉ प्रैक्टिस करते थे। 1963 आते आते तक उन्होंने रीजनल कमेटी में अपने आप को प्रमोट किया। 1970 आते आते तक सबसे बड़ी पोजीशन सेक्रेटरी की होती है कम्युनिस्ट पार्टी में, और फिर आप प्रेसिडेंट बनना आपका तय है। वहां पे फिर ये फर्स्ट पार्टी सेक्रेटरी बने। अभी ये सेंट्रल पार्टी में नहीं आया, याद रखिएगा, ये सब सिटी लेवल, स्टेट लेवल पार्टीज हैं, इनके गांव की ही सोवियत या जिनको कह सकते हैं यूनियंस हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 1978 आते आते तक, 1971 में भी इनको मेंबर बना लिया गया सेंट्रल पार्टी में। इनकी अब उद्घोषणा हो गई थी, इनका आगमन हो गया था, ये आ गए थे सेंट्रल पार्टी में, सेंट्रल कमेटी में। 1974 में भी डिप्टी बनाए गए, और 1978 में इनको सेंट्रल कमेटी सेक्रेटेरिएट का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर बनाया गया, ठीक है। तो ये काफी अच्छी चीज है, और अब इनका करियर जो है वो शुरू हो गया। 1979 आता है पॉलिट ब्यूरो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कम्युनिस्ट पार्टी का इनर सर्कल है, सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर, सबसे प्रेस्टीजियस मेंबर, जो बहुत ज्यादा काम करते हैं और जो हाईएस्ट अथॉरिटी के होते हैं, उनको इसमें रखा जाता है। तो पॉलिट ब्यूरो में इनकी जो एंट्री थी, बड़ी खुशी की बात है दोस्तों। जब भी एक अच्छा नेता आता है, ईमानदार नेता आता है, अच्छे दिल का नेता आता है, इससे अच्छा कुछ किसी भी देश के लिए हो ही नहीं सकता। अगर गोर्बाचेव नहीं होते तो आज भी यूएसएसआर की बहुत बुरी हालत होती। आपको पता है पूरी इकॉनमी ही बेकार हो गई थी, गरीब से लोग मर रहे थे। 1991 में बहुत ज्यादा जरूरी था ये डिसइंटीग्रेशन। आर्म रेस ने पूरी तरह से इस देश को, इस पूरे यूनियन को बर्बाद कर दिया था। 1980 आते आते तक इनको पूरी मेंबरशिप मिल गई। जनरल सेक्रेटरी उस समय यूरी एंड्रोपोव थे। ऐसा लगा था कि इनकी डेथ के बाद, 1984 के बाद, इनको ही बनाया जाएगा, लेकिन इनके गुरु को बनाया गया। और फाइनली 1985 वो दौर था, 11 मार्च। देखिए इस बीच बहुत कुछ हुआ, लेकिन मैं अभी उसको स्किप करूंगा, लेक्चर बहुत लंबा मुझे नहीं करना है, बहुत बड़ा लेक्चर है, बहुत सारी चीजें मुझे कवर करनी है, ठीक है। तो गोर्बाचेव 11 मार्च 1985 को फाइनली इनको बनाया गया जनरल सेक्रेटरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी पोस्ट है कम्युनिस्ट पार्टी की। खत्म, इसके बाद सीधा प्रेसिडेंट। बहुत ही जबरदस्त ये अपॉर्चुनिटी थी मिखाइल गोर्बाचेव के पास, ठीक है। और यंगेस्ट मेंबर थे, एक यंग इंसान पार्टी में आ रहा है, अब क्या करने वाला है आप खुद ही सोच लीजिए। आते ही इन्होंने लिबरल रिफॉर्म्स की बरसात कर दी। इन्होंने सबसे पहले दो सबसे इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, रिफॉर्म्स है, ग्लासनोस्ट, पेरिस्ट्रोइका, अभी आगे हम इसकी डिस्कशन करेंगे। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसिया, यूक्स, क्या लिखा है ये, एक्सेलरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हाँ ये बढ़िया है, ठीक है। वैसे आपको ये नाम याद रखने होंगे भैया, बहुत दिक्कत है स्टूडेंट्स के लिए तो, और लिख के भी आना होगा एग्जाम में, मैं बता रहा हूँ, ये नाम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए एक चीज और बताना चाहूंगा, मुझसे ये मत पूछा करिए प्लीज, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। भैया सब चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, नहीं आपकी नॉलेज के लिए। जितना ज्यादा आप नॉलेज बनेंगे, नॉलेजेबल बनेंगे, जितना ज्यादा आपको पूरी दुनिया के बारे में नॉलेज होगी,
उतना सक्सेस आप होंगे, ठीक है, याद रखिएगा, और सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज थी, कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग होती है 1986 में, वहां पे ये सारी चीजें अनाउंस करते हैं। लेकिन ये रिफॉर्म जो थे इसी ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गोर्बाचेव को, ठीक है। गोर्बाचेव का सबसे पहला गोल ये था कि पूरी इकोनॉमी को रिवाइव करो, टेक्नोलॉजी एरिया में भयंकर तरीके से डेवलपमेंट लाओ, ब्यूरोक्रेसी चल रही है उसको कम करो, उसको रिफॉर्म करो, प्रॉब्लम है जो फार्म्स में प्रॉब्लम है कलेक्टिवाइजेशन उसको हटाओ, बहुत ज्यादा जो है गवर्नमेंट का होल्ड है, प्राइवेटाइजेशन है ही नहीं। सरकार, देखिए सरकार अगर सब कुछ कंट्रोल करने लगती है तो अल्टीमेटली पिसता इंसान है, प्राइवेटाइजेशन लेके आओ, जो कि सबसे बड़ी चीज थी। कोई कुछ नहीं बोल सकता है उसको फ्रीडम दे दो, फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दो, प्रेस को फ्रीडम दे दो, सबको फ्रीडम दे दो। लेकिन मेरा जो पर्सनल फेवरेट है, जो मिखाइल गोर्बाचेव ने किया, एंटी अल्कोहल कैंपेन। दोस्तों मैं गर्व से बोलना चाहता हूं ये एंटी अल्कोहल कैंपेन उन्होंने चलाई। जितने भी महान इंसान हैं, हेनरी फोर्ड हो, चाहे मिखाइल गोर्बाचेव हो, चाहे वो जो भी हो, कभी भी उन्होंने शराब को हाथ नहीं लगाया। याद रखिएगा दोस्तों, शराब से हमेशा दूरी बनाए रखिए, कभी भी किसी नशे के आदि मत होइए। सरकार इसलिए बैन नहीं करती क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू शराब से आता है, ठीक है। और कोई अगर सरकार अल्कोहल को बैन कर रही है तो समझ लीजिए बहुत ही बेहतरीन डिसीजन है सरकार का, क्योंकि उसका काफी नुकसान होने वाला है। गोर्बाचेव ने इसको नहीं सोचा, प्राइसेस ऑफ वोडका बढ़ा दिए, भैया अल्कोहल को कंट्रोल करना है सबसे बढ़िया क्या है, 100 रुपए की शराब मिल रही है 1000 रुपए की कर दो, सब अपने आप ही पीना बंद कर देंगे। लेकिन ऐसा जरूरी भी नहीं है क्योंकि फिर तो वायलेंस भी, अब इसके भी खैर अलग अलग रीजन है, लेकिन गोर्बाचेव ने तो ये किया, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ इकोनॉमी को, लेकिन कोई बात नहीं, 100 बिलियन रूबल वहां की करेंसी है भैया, 100 बिलियन रूबल का उनको नुकसान हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, चीजें जब सुधारनी है तो ये सब करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो इनकी पॉलिसी थी उसका नाम था पेरेस्ट्रोइका, जिसका मतलब होता है रशिया को रिस्ट्रक्चर करो, प्राइवेट रिफॉर्म लाओ, इकोनॉमी पूरी तरह से चली गई थी। देखिए क्या है कि ये जो 1979 से लेकर, ये पीछे क्यों चला गया यार, 1979 से लेकर 1989 तक जो एरा था, अफगान वॉर, मुजाहिदीन की स्थापना हो गई थी भैया, डेमोक्रेसी वर्सेस कम्युनिज्म, रशिया यूएसएसआर कम्युनिज्म, यूएसए डेमोक्रेसी, यूएसए ने मुजाहिदीन क्रिएट किए जो बाद में उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर गए, 9/11 कर दिया उन्होंने जाके, ठीक है, बहुत ही दिक्कत हो गई। अब क्या है, उस पर भी मैं वीडियो बहुत जल्द लेके आने वाला हूं, याद रखिएगा 9/11 पे भी, ठीक है। तो ये चीज थी, रशिया ने अपने सैनिक भेजे ताकि मुजाहिदीन को हम कंट्रोल कर सके, बहुत लोग मारे गए इसमें, बहुत सैनिक मारे गए, लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा था, कोल्ड वॉर के चक्कर में रशिया ने अपने आप को पूरी तरह से बर्बाद कर लिया था, बहुत ज्यादा आर्सेनल इन्होंने इकट्ठा कर लिए थे हथियार। मिखाइल गोर्बाचेव पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने बोला हम डिसआर्ममेंट करेंगे, हम अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स को हटा देंगे। इन्होंने अमेरिका से जाके पैक्ट, अमेरिका से जाके, वो मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या किया, अमेरिका से जाके इन्होंने पैक्ट साइन किए थे कि हम, और इन्होंने अपने हथियार का डीन्यूक्लियराइजेशन, अपने हथियारों को खत्म भी करना शुरू कर दिया था, रोनाल्ड रीगन के साथ उन्होंने भी ये चीज करनी शुरू कर दी थी। तो अमेरिका और रशिया के रिश्ते जो थे सुधर गए और यहां पे डीन्यूक्लियराइजेशन होना शुरू हो गया था, लेकिन रशिया के जो मेंबर्स थे आप उनको अब चुप नहीं करा सकते। रशिया के मेंबर्स अब मिखाइल गोर्बाचेव के सामने सीधा सीधा खड़े हो गए और बोलते हैं कि आप एकदम ही बेकार जो ये सब कर रहे हैं, ये घटिया चीज है, आप हमारे कल्चर को, कम्युनिज्म को खत्म करते जा रहे हो, ये कम्युनिज्म नहीं है, ये डीन्यूक्लियराइजेशन, ये जो भी ढोंग है ना ये, तो पार्टी के मेंबर्स ने इनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इन्होंने इतनी ज्यादा फ्रीडम दे दी थी, ग्लासनॉस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट, शीशे की तरह, ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट, सब कुछ आपको दिखेगा, ओपननेस, आपको सब कुछ दे देंगे हम। ओपननेस किसके कंटेक्स्ट में, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मीडिया सेंसरशिप, मीडिया को बोलने की आजादी नहीं है, आप बोलेंगे, कोई और पार्टी खड़ी नहीं हो सकती, वन पार्टी सिस्टम था, अब ऐसा नहीं होगा, हम, इन्होंने बेसिकली डेमोक्रेसी वो अप्लाई कर रहे थे विद कम्युनिज्म, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब क्या है, यहां से बहुत बड़ी प्रॉब्लम, लोग अब तक चुप थे लेकिन लोगों ने अब बोलना शुरू कर दिया, लोगों ने इनके खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। यूएसएसआर जो सोशलिस्ट ब्लॉक था, 14 कंट्रीज चुप थी, यूक्रेन, लुधियाना,
उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, सबने बोलना शुरू कर दिया, पब्लिक डिबेट होती थी, टीवी में टेलीकास्ट होती थी, मीडिया से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, तो मीडिया को काफी इंटरव्यूज देते थे गॉर्बाचेव, इन सबने बोलना शुरू कर दिया मिखाइल गॉर्बाचेव के खिलाफ। तो कुछ इस तरह की कंडीशन आ गई थी। अब खिलाफ नहीं, बेसिकली वो पूरी इस व्यवस्था के ही खिलाफ बोल रहे थे जो इतने सालों से चुप पड़ी हुई थी। तो ये चीज जो थी ना बहुत ही ज्यादा बुरी थी। प्राइवेट ओनरशिप इन्होंने दे दी, ठीक है, गवर्नमेंट का कंट्रोल इन्होंने हटाया, प्राइवेटाइजेशन आएगा, हर जगह कंट्रोल सही नहीं है, टेक्नोलॉजी के टर्म्स में यूनियन बनाया इन्होंने, फिर इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, हर तरह से इन्होंने एक पूरा सा रीस्ट्रक्चर बना दिया। शुरू में इन्होंने काफी हाई टैक्सेस लगाए, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट रिस्ट्रिक्शन, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया चीजें समझ में आती गई, ठीक है। लेकिन ये जो एरा था 1980 से लेकर 1990 बहुत ही अनस्टेबल एरा था, स्टेबलाइज नहीं था ये, ठीक है। तो ये चीज थी, इन्होंने पूरी तरह से सब कुछ बदल दिया था, लेकिन जैसा कि मैंने कहा लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं भाया। और फाइनली जो प्रेसिडेंट, मतलब वो घड़ी आ गई जब 15 मार्च 1990 को गॉर्बाचेव, मिखाइल गॉर्बाचेव को पहला प्रेसिडेंट सोवियत यूनियन का, आखिरी प्रेसिडेंट चुना गया, क्योंकि इसके बाद यूएसएसआर जो था वो डिसइंटीग्रेट या डिसॉल्व हो गया। तो ये चीज थी। अब क्या है कि गॉर्बाचेव के रिफॉर्म्स बड़े अच्छे लग रहे हैं आज, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, उस समय नहीं थे। टीवी पे इनका भयंकर क्रिटिसिज्म होता था, फ्रीडम दे दी ना सबको, पहले तो आप किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कम्युनिस्ट पार्टी को, भर भर के इनका क्रिटिसिज्म होता था, अमेरिका से आप दोस्ती कर रहे हो, जो हमको मार रहे हैं यहाँ पे आप उससे दोस्ती कर रहे हो, वो डेमोक्रेसी कह रहा है, अरे आपको कम्युनिज्म कम्युनिज्म बोलो, आप क्यों वहां पे जाके बोल रहे हो, क्यों सरेंडर कर रहे हो, ऐसा ऐसा बोलते थे वहां पे टीवी पे। तो क्या करेगा कोई, कुछ नहीं करेगा, बैठे रहिए। गॉर्बाचेव भी कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन जाते जाते भले ही वो दो साल के लिए प्रेसिडेंट थे, मार्च से लेकर दिसंबर तक उन्होंने 25 दिसंबर को अपना इस्तीफा दिया, लेकिन इन समय में, इन डेढ़ साल में कमाल करके चले गए, इतिहास रच के चले गए वो, ठीक है। तो ये चीज थी आगे की कहानी। और डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हम अगले पार्ट में देखेंगे। देखिए एक एक टॉपिक पे मैं वीडियो लाऊंगा, मैं आपसे वादा करता हूं, अभी हम बायोग्राफी तक ही सीमित रहेंगे, ठीक है। हर एक चीज मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, चाहे वो अफगान वॉर हो, चाहे वो, वैसे तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर पे एक ऑलरेडी स्टडी आईक्यू का वीडियो अवेलेबल है, जबरदस्त वीडियो, डॉक्टर महिपाल सिंह राठौर सर द्वारा, आप जरूर उसको देखिएगा, ठीक है। अगले पार्ट में मैं सारी चीजें बात करूंगा, बर्लिन वॉल की बात करूंगा, जो फॉरेन एंगेजमेंट है, यूएस से कैसे रिलेशन थे, और अभी प्रेजेंट क्या है मिखाइल गॉर्बाचेव का, उनकी भी बात करूंगा। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। क्विक रिमाइंडर, 23 सितंबर तक 50% ऑफ है, हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय। और इन नंबर्स पे कॉल करिए, फिर ज्यादा जानकारी वेबसाइट विजिट करिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, शेयर जरूर कर दीजिएगा, थैंक यू सो मच।